हेलो दोस्तों, मैं परमिता करती हूँ आपका एक बार फिर से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल परमिता होम गार्डनिंग में। देखिए, अपने गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने कुछ काम किया है, इसमें कुछ नहीं, मैं सुबह से लग रही हूँ और मुझे 2 घंटे हो गए हैं। है तो थोड़ा सा ही लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। ये जो आप देख रहे हैं इसकी मैंने हार्ड कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये गोल्डन दुरंटा है और ये देखिए मैंने इसकी बाउंड्री बनाई हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी ऊपर तक और नीचे से ये प्लांट इस तरीके से सूखने लगा था। तो नीचे से ये बिल्कुल जैसे कहते ना भरा भरा सा हो जाता है, वो नहीं था, बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था ये नीचे से, सूख सूख के इसकी ब्रांच और पत्तियाँ नहीं थी उस पर। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया है और ये 1 महीने के अंदर कवर कर जाएगा, इस पर नई जो पत्तियां हैं वो आने लगेंगी। वैसे मैं 15 दिन लेट हो गई हूँ, 15 दिन पहले ही इसको कट कर देना था लेकिन समय नहीं मिला मुझे और कुछ ऐसे कारण हुए कि जिसकी वजह से मैं इसको कट नहीं कर पाई हूँ, इसकी जो हार्ड कटिंग थी वो नहीं कर पाई हूँ। मैं अक्सर इसकी प्रूनिंग कर देती थी, तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको, हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी और बस हो जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि नीचे से सूख रहा है, ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है झाड़ की तरह, तो मैंने इसकी हार्ड कटिंग कर दी है इस वाले पॉइंट की। और जो गुलाब के जो प्लांट थे उनमें भी कुछ ख़राब ब्रांच थी लेकिन अभी उन पर बहुत सी कलियाँ आई हुई हैं तो मैंने उनको कट नहीं किया है। अभी दिवाली के बाद मैं उनको कट करूँगी क्योंकि फ्लावरिंग देखिए काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखिए। और बड्स बनी हुई हैं, मैंने 1.5 महीना पहले इनको कट किया था तो बड्स बनी हुई हैं तो मैंने कट नहीं किया है। अब दिवाली के बाद जैसे ही ये फूल आके चले जाते हैं तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगी, बिल्कुल हार्ड कटिंग कर देनी है इनकी, क्योंकि सर्दियों में अगर आपको ज़्यादा फूल लेने हैं तो कटिंग तो करनी होगी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी थी यहाँ से और बहुत अच्छे से चला है। पत्तियाँ ख़राब हो गई थी, मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, वो पत्तियाँ सारी इसकी ख़राब हो गई थी और मैंने इस पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया तो देखिए कितनी बड़े बड़े पत्तियाँ जो इसमें निकल के आई हैं, कोई रोग नहीं है इसमें। और ये सावनी है, इसकी भी कटिंग मैंने कर दी थी, इसमें नई नई पत्तियाँ निकल के आई हैं, कुछ काम और किया है। और ये देखिए ये मेरा है एरिका पाम और इसमें मैंने लगाई हुई थी जैसे आप देख रहे हैं बोर्डिंग जू, काफ़ी सारी थी इस गमले में, ये देख सकते हैं आप, ये रही। और मैंने वो निकाल दी हैं इसमें से क्योंकि इसमें मैं करने वाली हूँ गुड़ाई, नुलाई गुड़ाई, और जब ये बोर्डिंग जू इसमें थी तो इसका हम ये काम नहीं कर सकते थे, अगर करती तो भी इसकी जड़ें कट जाती थी क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इस प्लांट को लगे हुए, तो इसकी नुलाई गुड़ाई ज़रूरी है और इसमें फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है। लगभग 6 महीने मुझे इसमें फर्टिलाइज़र किए हुए हो गया है तो अब मैं इसको फर्टिलाइज़र करूँगी। इसमें एक बार पानी दे देती हूँ और उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र करूँगी, नुलाई करके इसकी गुड़ाई जो करते हैं वही। और इसमें कोई भी देखे सूखी पत्तियाँ नहीं है, मैंने निकाल दी हैं, ऐसे कुछ पीली पत्तियाँ हल्की सी पड़ी हुई थी तो मैंने निकाल दी है बस, क्योंकि देखिए प्लांट को भी सफाई की ज़रूरत होती है, दिवाली पर आप साफ़ सफाई कर रहे हो तो प्लांट की भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, उसको भी सफाई चाहिए। तो देखिए ये हो गया है ये काम पूरा मेरा। और फ्रेंड्स एक बात और ज़रूरी आपसे बोल देती हूँ कि इन पत्तियों को नहीं फेंकना है कहीं पर भी, जो ब्रांच आपने वोडिंग जू या किसी भी चीज़ की कटिंग आप कर रहे हो जो सॉफ्ट है, जो आपकी कटिंग सॉफ्ट है उसकी, ये नहीं कि जैसे कि डुरंटा की मैंने की है तो उसकी आप ब्रांच भी गल जाएंगे क्योंकि उसकी जो हार्ड जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, वो नहीं आपकी जो कंपोस्ट तैयार होगा उससे डीकम्पोस्ट नहीं होती हैं वो, तो ऐसी सॉफ्ट पत्तियों की आप खाद बना सकते हैं, इसकी जो पत्तियों वाली खाद होती है लीव कंपोस्ट होती है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसको एक बैग में भर लीजिए या गमले में डाल दीजिए, ऊपर से आप उसमें थोड़ा गोबर खाद या कुछ भी जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और आपकी ये पत्तियाँ 6 से 8 महीने में ये आपका कंपोस्ट जो आपकी खाद है वो तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ कटिंग मैंने हल्की हल्की सी कटिंग मैंने इसकी भी की है, ये है जेड प्लांट और इसको इस तरह की एक शेप दे रही हूँ मैं। ये देखिए छोटे से प्लांटर में भी मैंने लगाया हुआ है, ये कटिंग से ही लगा हुआ था, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है और मैंने कटिंग से तैयार किया था, इसको एक सुंदर सी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और लगभग 6 से 7 महीने इसको हो गए हैं।
तो आप भी तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और ज़रूरी काम आप इस टाइम पर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और सर्दियों में कटिंग करना कोई, मैं तो कहूँगी, अच्छी बात नहीं है कि आप सर्दियों में कटिंग करें। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो सर्दियों में, देखिए काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी आप कटिंग कर देंगे इस टाइम पर और थोड़ी सी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएगी उन प्लांट में, लेकिन सर्दियों में जब आप कटिंग करेंगे तो एक तो एक डोरमेंसी में चले जाते हैं, ऊपर से आप उनकी कटिंग कर देंगे तो प्लांट सोख में चला जाता है और कभी कभी तो प्लांट मर भी जाता है। तो इस टाइम पर आप कटिंग कर दीजिए। हाँ, सर्दियों वाले प्लांट की प्रूनिंग या कटिंग आप कर सकते हैं सर्दियों में। और देखिए दोस्तों, ये जो गोल्डन दुरंता मैंने काटी है ये उसी का इस तरीके का कचरा है। कुछ मैंने पहले कटिंग कर दी थी, ये मेरा ये वाला पॉइंट रह गया था कटिंग किए हुए इस गोल्डन दुरंता का, और ये इस तरीके से मैंने कुछ काम किया है, अभी बहुत काम करना ज़रूरी है। इसकी कटिंग मैं अब से 20 से 25 दिन पहले कर चुकी हूँ और देखिए पत्तियाँ इस पर आनी स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन एक महीना हो गया होगा इसकी कटिंग हुए, मुझे पक्का से याद नहीं है, लेकिन एक महीने के अंदर ही इसकी कटिंग मैंने की थी और देखिए पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये ज़रूरी है और आप भी कर लीजिए अपने गार्डन में। कुछ मैंने थोड़े बहुत जो प्लांट की, जो मेरे प्लांट थे उनकी भी मैंने कटिंग की है, कुछ इधर से इधर शिफ्ट किए हैं। जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं टर्टल वाइन है, पहले उस साइड पे लगी हुई थी ये टर्टल वाइन और मैंने अब इस तरीके से लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन दुरंता जो कट हो गई है यहाँ पे तो गंदा सा लगने लगा है एकदम से, तो मैंने ग्रीनरी बनाने के लिए इधर से ये जो टर्टल वाइन है वो लगा दी है। इस तरह का थोड़ा सा सेटअप हुआ है और बाकी बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन 1 से 2 घंटा डेली में देना पड़ेगा और अब फेस्टिवल शुरू हो गए हैं तो मुश्किल से समय निकल पाता है। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।